हेलो गाइस, वेलकम है आपका आपके स्टूडियो में। और आज जो है हम स्केचअप रो में मॉडलिंग करेंगे कैबिनेट की। लेकिन उससे पहले गाइस, हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे भी लाजमी क्लिक कीजिएगा, ताकि हर आने वाले जो न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन है वो मिल सके गाइस आपको सबसे पहले। तो गाइस, उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए। और अगर आपको इस वीडियो में, इस मॉडलिंग में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो या मार्क्स में प्रॉब्लम हो, तो आप मन करके जो है पूछ सकते हैं, आपको जो है उसे प्रॉब्लम को क्लियर किया जाएगा। और हमारे चैनल को, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको मिल सके सबसे पहले। तो गाइस, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब और आप कर लें अपना स्केचअप ओपन। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो गाइस, आ चुके हैं हम स्केचअप में। और स्केचअप में सबसे पहले आप देख सकते हैं इसका इंटरफेस देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वुमेन को हम जो है इरेज कर देंगे। इरेज यहाँ पे हम इसे सिलेक्ट करके जो है राइट क्लिक करके इरेज पे जाके हम इसको इरेज कर देंगे। उसके सबसे पहले जो हम इसके यूनिट सेट करेंगे, ठीक है। और यूनिट सेट करने के लिए हम ऊपर विंडोज़ में जाएंगे। आप देख सकते हैं ऊपर मेन्यू बार में आप विंडोज़ पे जाएंगे और ठीक है मॉडल इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। मॉडल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद यूनिट्स पे आएंगे। यूनिट्स पे आने के बाद फॉर्मेट में आएंगे। फॉर्मेट में ये ड्रॉप डाउन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा। आप डेसिमल पे क्लिक करेंगे और इंचेस यहाँ पे सिलेक्ट होगा। आपने क्या करना है, इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। इंचेस को जो है सेंटीमीटर में आपने कन्वर्ट कर देना है, उसे 0.0 पे लेके आ जाना है, ठीक है। और यहाँ से कर देना है ओके। ओके, अब करते हैं अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट। हमने इसको जो है वो कर दिया है इरेज। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे गाइस, उसके बाद हम यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर टू के बॉक्स पे जो है टू टूल है, हम उस पर क्लिक करेंगे। रेक्टेंगुलर पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इस तरफ जो है इसे मूव करेंगे। मूव करने के बाद जो है हम यहाँ पे डिमेंशन बॉक्स में इसकी जो है डिमेंशन देंगे 14 सेंटीमीटर, ठीक है, 40 सेंटीमीटर कॉमा 120, ओके। और एंटर करेंगे, आप देख सकते हैं हमारा जो है रेक्टेंगुलर एक लग चुका है। इसे हम जो है अब एक्सट्रूड करेंगे। उसके बाद जो है हम एक्सट्रूड की कमांड यूज़ करेंगे। एक्सट्रूड पे हम क्लिक करेंगे और इसे ऊपर की जाने जो हम एक्सट्रूड करेंगे 200 सेंटीमीटर, ओके। हमने ये 200 सेंटीमीटर एक्सट्रूड कर लिया। उसके बाद हम मेजर के टूल पे जाएंगे। आप देख सकते हैं नंबर 4 के बॉक्स पे नंबर 1 टेप मेजर टूल पे क्लिक करेंगे और इसको जो है अंदर की जाने जो है हम दे देंगे आप 4 सेंटीमीटर इस तरफ, ठीक है, ये इस तरफ 4, एंटर, ओके। और टॉप पे जाएंगे, टॉप पे नीचे की तरफ 4 सेंटीमीटर 4 लिख के हम एंटर करेंगे, ओके। और इस साइड से हम जो है इस तरफ 4 लिख के जो हम एंटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हम नीचे से बॉटम की जानेब जो है हम उतना नहीं देंगे, हम बॉटम की जानेब देंगे 10 सेंटीमीटर, ओके ओके। और उसके बाद जो है हम लाइन की कमांड पे जाएंगे और यहाँ पे जो है हम आप देख सकते हैं यहाँ से हम नीचे की जानेब जो है लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ तक, ओके। आप देख सकते हैं यहाँ तक हमने जो है लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद फिर हम जो है मेजर टूल पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको इस तरफ जो है 1 सेंटीमीटर ओके करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे जाएंगे इस तरफ जो है 1 सेंटीमीटर ओके कर देंगे, ओके। और लाजमी जो है साथ साथ अपने मॉडल को लाजमी सेव कीजिए, ताकि कोई प्रॉब्लम हो सके तो आपका जो प्रोजेक्ट जितना आपने वर्क किया हुआ वो सेव हो। तो गाइस, नेक्स्ट जो है हम पहले इसको सेव कर लेते हैं। उसके बाद जो है हम यहाँ से ऊपर की जाने से हम नीचे को 45 सेंटीमीटर ओके, और यहाँ से नीचे को 2 सेंटीमीटर जो है हम ओके कर देंगे। उसके बाद जो है हम रेक्टेंगुलर पे जाएंगे और इसे थोड़ा सा जूम करके यहाँ तक जो है हम ट्रायंगल लगाएंगे। उसके बाद जो है हम इसको सिलेक्ट करेंगे, देख सकते हैं आप इस तरह हमने इसको किया सिलेक्ट और कंट्रोल पर सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और यहाँ से जो है हम इसे करेंगे मूव, ओके, कंट्रोल प्रेस करके जो हम इसे करेंगे मूव, ठीक है।
यहाँ से जो है हम इसे कंट्रोल प्रेस करेंगे, यहाँ से जो है हम नीचे की जाने जो है हम इसे करेंगे मूव, आप देख सकते हैं ठीक है यहाँ तक ओके। और फिर हम इस पॉइंट से जो है इसे नीचे की जाने को और एक बार मूव कर देंगे यहाँ तक, आप देख सकते हैं गाइस ठीक है। हमारे जो है तीन बॉक्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। उसके बाद जो है हम फुल रेक्टेंगुलर पे सेलेक्ट करेंगे। रेक्टेंगुलर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका टूल पर रेक्टेंगुलर को सेलेक्ट करेंगे और इस पॉइंट से हम जो है इसको इस पॉइंट तक जो है हम यहाँ पे लाके रख देंगे। उसके बाद फिर हम रेक्टेंगुलर सेलेक्ट करेंगे ठीक है, और इस पॉइंट से आप देख सकते हैं ठीक है, अगर आप इसको इस पॉइंट तक ओके हमने इसे सेलेक्ट कर दिया, स्किप कर देंगे और क्लिक यहाँ पे कर देंगे, आप देख सकते हैं हम साथ साथ जो है इसे सेव कर रहे हैं। उसके बाद जो सारी लाइनों को हम कर देंगे, जहाँ से फर्स्ट बॉक्स में फोर नंबर पे इरेजर है यहाँ से हम इरेजर को सिलेक्ट करेंगे, आप देख सकते हैं इसे ऐसे से क्रॉल करेंगे तो ये सारी जो है हमारी लाइनें इरेज हो चुकी हैं ठीक है। हम अपनी जो है वर्कशीट को क्लीन करेंगे ठीक है, यहाँ से हमने इरेज कर दिया। उसके बाद हम जो है इस लाइन को भी इरेज कर देंगे ओके, और इस लाइन को भी इरेज कर देंगे ठीक है, और आप देख सकते हैं हम इस लाइन को भी इरेज कर देंगे ठीक है, और इस लाइन को भी हम इरेज कर देंगे ओके ठीक है। उसके बाद हम फिर रेक्टेंगुलर पे जाएंगे और इस पॉइंट से हम इस पॉइंट तक रेक्टेंगुलर एक और लगा देंगे। उसके बाद जो है हम इसे एक्सट्रूड करेंगे ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके हम अंदर की जाने पे इसे एक्सट्रूड करेंगे, आप देख सकते हैं हम करेंगे यहाँ पे 38 ओके, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे ठीक है, और एंटर करेंगे ठीक है। दोबारा हम एक्सट्रूड करेंगे, आप देख सकते हैं अंदर की जाने में एंटर करेंगे ठीक है ओके, यहाँ पे जो है हम आप देख सकते हैं ठीक है, और ये जो है हमारे कैबिनेट जो है हम रेडी कर रहे हैं ठीक है, आप देख सकते हैं हमने अंदर की जाने पे से एक्सट्रूड कर दिया। और इसके बाद हम जो इसके डोर रेडी करते हैं, और ऐसा करते हैं हम इसको जो है अंदर की जानब जो है 2 सेंटीमीटर जो है अंदर एक्सट्रूड कर देते हैं ठीक है ओके। थोड़ा जूम करते हैं, इससे जो है आप देख सकते हैं इसे हम अंदर की जानब 2 सेंटीमीटर एक्सट्रूड कर दिया ठीक है, और इसको एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं ठीक है ओके है रेडी है ओके। उसके बाद हम जो एक्स्ट्रा लाइन है उसे हम जो इरेज कर देंगे, इरेजर के टूल पे जाके हम थोड़ा सा इसे स्क्रॉल कर लेते हैं ऐसे और जूम करते हैं ठीक है, आप ये देख सकते हैं इन लाइनों को जो हम इरेज कर देंगे ठीक है, थोड़ा सा इसे और ऊपर कर लेते हैं तो भी इरेज कर देते हैं यहाँ से ठीक है, और इसको थोड़ा सा ऊपर करके हम यहाँ से इसको भी जो है इरेज कर देते हैं ऐसे ओके। मैं देख सकते हैं हमारा जो है प्रोजेक्ट रेडी हो गया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कोई लाइन अगर ये वाली इसको भी हम जो है इरेज कर देते हैं ओके, यहाँ से हमने इसको इरेज कर दिया और सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है हम थोड़ा सा जैसे क्रॉल करते हैं इस तरफ ठीक है, इसे जूम करते हैं और थोड़ा सा ऊपर की जाने जूम करते हैं ओके, मेजर के टूल पे जाते हैं और नीचे जाने 30 सेंटीमीटर ओके, और इस लाइन से अंदर की जाने 20 सेंटीमीटर ओके, और उसके बाद जो है हम थोड़ा सा इसे ऊपर स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम सर्कल पे जाएंगे और इस पॉइंट पे सेंटर पॉइंट पे इसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्लिक किया ऊपर की जाने और 1.5 सेंटीमीटर हमने एंटर कर दिया। उसके बाद जो है हम इरेजर के टूल पे जाएंगे, इरेजर को हमने यहाँ से ख़त्म कर दिया इन लाइनों को ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे एक्सट्रूड पे, इस पर क्लिक करके हम इस तरफ जो इसे 55 जो है सेंटीमीटर एक्सट्रूड कर देते हैं ठीक है, आप देख सकते हैं इसको ये देखें ओके, आप देख सकते हैं बड़े गौर से हमारा जो है प्रोजेक्ट रेडी हो रहा है। यहाँ पे हमने जो है 55 सेंटीमीटर जो है इसे एक्सट्रूड किया है राइट जानब ठीक है। उसके बाद जो है हम लाइन टूल पे जाएंगे सेलेक्ट टूल पे ठीक है, और यहाँ से हम इस लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे ठीक है, और कंट्रोल और इस लाइन को जो है हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से
और मूव टूल पे जाएंगे और यहाँ से जो है हम आप देख सकते हैं इसको मूव कर देंगे यहाँ पे, ओके। और ट्राइंगल टूल पे जाएंगे रेक्टेंगुलर पे, और यहाँ से जो है हम देख सकते हैं यहाँ तक जो है हम लगा देंगे रेक्टेंगुलर। और इरेजर टूल पे जाएंगे, इस लाइन को हम कर देंगे इरेज, और फिर उसके बाद जो है हम एक्सट्रूड पे जाएंगे। एक्सट्रूड को इसकी जानी में हम 2 सेंटीमीटर जो है 2 सेंटीमीटर कर देंगे एक्सट्रूड, आप देख सकते हैं, ओके। ऐसे ही आपने जो है 2 सेंटीमीटर एक्सट्रूड कर देना, क्योंकि हमारा जो हमने यूनिट सेट किए हुए थे वो सेंटीमीटर में किए हुए थे, इसलिए आप जितनी भी आपने एक्सट्रूड करना हुआ वो ऑटोमेटिकली सेंटीमीटर में ही जाएगा। उसके बाद जो है हम इस डोर्स को हम जो है सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, ओके। और मूव टूल कीजिए कंट्रोल प्रेस करके हम जो है इसकी एक और कॉपी बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है। हमने यहाँ पे कॉपी बना ली, और उसके बाद जो है हम इसे थोड़ा सा इससे सामने कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम ऑफसेट टूल पे जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑफसेट, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है अंदर की जानी जो है ना इसका टूल ले लेते हैं 7, ठीक है, ओके कर देते हैं। और उसके बाद एक्सट्रूड करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम एक्सट्रूड टूल पे जाते हैं, अंदर की जानी जो हम 2 सेंटीमीटर, ओके, ये देख सकते हैं आप, ओके। उसके बाद जो है हम इसके सेंटर पॉइंट पे एक सर्फस जो है वो क्रिएट करेंगे, रेक्टेंगुलर पॉइंट पे जाके आप देख सकते हैं इसे हम थोड़ा जूम करेंगे, और इसके जो है सेंटर पॉइंट पे यहाँ पे हम जो है ऊपर की जानी जो है हम एक सर्फस लेंगे ऐसे, आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा हम नीचे को स्क्रोल करते हैं, ठीक है। और इसको इस तरह जो है हम इस तरफ टर्न करते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर की जानी, ओके। और हम जो है जूम इन करते हैं, आप देख सकते हैं जहाँ तक हम एक सरफेस डिफाइन करेंगे, ओके, आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेंगे, थोड़ा जूम इन करेंगे, ठीक है, ओके। और इसके बाद हम थोड़ा जूम कर लेते हैं इसे, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे बकेट टूल में, बकेट पेंट बकेट में, ओके। हमने पेंट बकेट पे क्लिक किया, आपके सामने एक नया जो है न्यू बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पे हम कलर गार्ड में जाएंगे और आपके सामने जो है मटेरियल्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे हम वुड वाले मटेरियल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारे सामने काफ़ी मटेरियल जो वुड के हैं वो ओपन हो चुके हैं, हमारे डोर्स हैं डोर्स जो है वो वुड के ही होते हैं, इसलिए हम जो है वुड इसे मटेरियल अप्लाई करेंगे वुड का, ओके। और हम जो है इस वुड को जो है सिलेक्ट कर लेते हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हम इसको थोड़ा सा क्रॉल कर लें, और यहाँ पे हम जो दे देते हैं, और उसके बाद जो है इसे नीचे यहाँ पे हम कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा इसे मूव करते हैं यहाँ पे, ओके, इसे थोड़ा सा इस तरफ मूव करते हैं, और यहाँ पे उसके बाद जो है हम थोड़ा सा इस तरफ मूव करते हैं बैक इसकी जो है वो भी हम पेंट दे देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इस तरफ मूव करते हैं, स्क्रॉल जूम इन, ठीक है, इसे थोड़ा सा इस तरफ ले आते हैं। और उसके बाद जो है हम ऑफसेट कमांड पे जाएंगे, ठीक है। ऑफसेट कमांड पे जाके हम यहाँ से ऑफसेट पे क्लिक किया, ठीक है, और अंदर की जानेब भी हमने 10 सेंटीमीटर जो है ऑफसेट दे दिया। उसके बाद फिर हम इसी जो है वुड पे जाएंगे, ओके, ठीक है, और इसे अंदर की जानेब भी हम इसका जो है इसे मटेरियल अप्लाई कर देंगे। और उसके बाद जो है हम ये वाला जो है वुड फ्लोर लाइट जो है हम क्लिक करेंगे, यहाँ फिर हम वुड OSB भी दे सकते हैं, ये देख लेते हैं, हाँ ये ठीक है। तो हम ये यहाँ पे अप्लाई कर देंगे इसके बॉर्डर एरिया पे, और उसके बाद हम दूसरे डोर पे आते हैं, उससे भी यही जो है हम इसके बॉर्डर पे कलर कर देते हैं। उसके बाद जो है हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जाएंगे, और यहाँ पे जो है हम ग्लास एंड मिरर को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, ग्लास एंड मिरर पे सिलेक्ट करेंगे। और ये वाला जो है हम मिरर 01 भी दे सकते हैं, आप मिरर 02 भी दे सकते हैं, आप मिरर 0 जो है ग्लास ग्रे भी दे सकते हैं। हम ग्लास ग्रे पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे जो है हम इसे जो है अप्लाई कर देते हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने जाना है अपने सिलेक्ट टूल में, आप देख सकते हैं सिलेक्ट टूल पे आगे, और इसे जो है हम पूरा सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और मेका ग्रुप पे क्लिक करेंगे, मेक ग्रुप कर दिया कि ताकि हम एक को सिलेक्ट करेंगे तो फुल जो है डोर हमारा सिलेक्ट हो। उसके बाद हम इससे डोर को भी सिलेक्ट करते हैं,
राइट क्लिक करके मेकअप ग्रुप इसे भी कर देते हैं। उसके बाद हम जो है इसे मूव करते हैं, मूव मूव की कमांड आप दे सकते हैं, यहाँ पे है मूव करेंगे हम इसको। उसके बाद जो है हम इस पॉइंट से इसे जो है मूव करेंगे इस पॉइंट से बकरा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे हमने जो है इसे रख दिया। ओके, हमारा जो है डोर रेडी है। उसके बाद फिर हम सिलेक्ट पॉइंट पे जाएंगे, ओके, और जो है हम इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और मूव टूल पे जाएंगे और जो है हम इस पे क्लिक करेंगे, इस पॉइंट से पकड़ लेते हैं हम दूसरे से, ये यहाँ से, ओके, और यहाँ पे जो है हम इस पॉइंट पे इसे मिला देते हैं, ओके। आप देख सकते हैं हमारी जो है विंडो रेडी हो चुकी है, विंडो कह रहा हूँ कैबिनेट जो है हमारी रेडी हो चुकी है। इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं हमारी रेडी हो चुकी है, ओके, ठीक है। और एक जो है हमने मिस्टेक यहाँ पे ये की कि इसके दरमियान जो है हमने मटेरियल अप्लाई नहीं किया। हम दोबारा जो है पक्की टूल में जाएंगे, ठीक है, और वुड में जाएंगे, ड्रॉप डाउन में आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपोनेंट, ओके, और इसी टूल को हम जो सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जूम इन करके हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो है कैबिनेट हो गया रेडी। तो गाइस, अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो लाजमी जो है वो लाइक कीजिएगा, और अगर आपको इसमें किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ना हो, इस प्रोजेक्ट की आपको समझ ना आ हो, या ऐसा वैसा कुछ भी कि मैंने ये कैसे बनाया, या किसी कमांड की आपको जो है समझ ना आई हो, तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन पे भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।